हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मैं योगेश भाटी, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं मरने से नहीं डरता, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही। पूरी दुनिया से लाखों लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही। जिनको मेरे ऊपर विश्वास है, मैं मर जाऊंगा पर किसी का साथ नहीं छोड़ूंगा। बात कहीं भी बात चलनी चाहिए। मैं कोई नेता नहीं, अभिनेता नहीं। बात कहीं भी बात चलनी चाहिए। हम तो देश पर मिटने वाले वो भगत सिंह हैं जो अपने सर पर कफन बांध कर चलते हैं। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना जोर कितना बाजवे कातिल में है। गौ माता के आशीर्वाद से मैं अकेला खड़ा हूँ उन सबसे लड़ने के लिए, और चैलेंज है सारे सत्तेबाजों को कि जिसको वो शब्द बोलते अच्छे नहीं लगते मेरे स्टेज पर, कि जिसको जो करना है वो कर ले। एक दिन इस सट्टे के खिलाफ आप सब लोगों के साथ मिलकर इतना बड़ा आंदोलन होगा कि ये खत्म होने पर अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। हमारे जेडी भाई के साथ मिलकर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें पता होंगी कि किस तरीके से सट्टेबाज सट्टा खिलवाते हैं, कैसे कैसे सट्टा खेलते हैं और कैसे कैसे लोगों के घर बर्बाद होते हैं, लोग आत्महत्याएं करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना रोज का सट्टा खेलते हैं, अगर अनुमान लगाएं कि 1,00,000 रुपए या 1 अरब के हिसाब से लगाएं, 100% सट्टे के हिसाब से 70% सट्टा में जो पैसा की कमाई होती है वो हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं रहती, वो बाहर चली जाती है विदेशी ताकतों के पास, आतंकवादियों के पास, और वही 70% पैसा हमारे खिलाफ हमारे ऊपर यूज होता है। ये पुलिस भी जानती है, सरकार भी जानती है। इस वीडियो के अंदर हम उसको जाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे वो 70% पैसा आतंकवादी हमारे ऊपर यूज कर रहे हैं। उस वीडियो को पूरी दिल्ली की हर गली के अंदर हम अपनी गाड़ियों पे लगा के वीडियो के हिसाब से चलाएंगे, तब लोगों की आंखें खुलेंगी कि हो क्या रहा है। हमारी सोच अगर सिर्फ 2-4-10-20 सट्टेबाजों को अगर पकड़ के बंद करवाने वाली होती तो मेरे पास ऐसी लिस्ट है, मैं हर बंदे को जानता हूँ जो सट्टा खिलवाता है, अब तक सबकी लिस्ट में थाने में दे चुका होता। लेकिन लिस्ट की नहीं है बात, बात समझने की है। मैं उन लोगों को भी समझाना चाहता हूँ जो सट्टा खेल रहे हैं और खिलवा रहे हैं दोनों को, जिस दिन मेरी बातें उनको समझ में आ जाएगी वो खुद ही खेलना बंद कर देंगे और बंद करवा देंगे। जिस स्पीड से ये सट्टा चल रहा है उस स्पीड से अगले 5 या 10 साल भी चल गया तो आप ये समझे कि हमारे दोबारा गुलाम होने की नौबत आने वाली है। भारत आन बान छान का देश है, भारत को कोई मिटा नहीं सकता, भारत दुनिया जान के ऊपर सरदारी कर रहा है, करता रहेगा। किसी को तो निकलना पड़ता है समाज में, किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, किसी को तो अपनी गाड़ी रोक के देखना पड़ता है, किसी को तो अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगा के रोक के उतर के देखना पड़ता है कि कौन पीड़ा में है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। ये सब कहना बड़ा आसान है पर हम सब भाग दौड़ में भागते चले जाते हैं। रुकने वाले, रुक के देखने वाले, समाज के लिए 1% करने वाले लोग भी अगर इस समाज में पैदा हो। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। तो जैसा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक एक कदम अगर हर एक भारतवासी चले तो ये देश 125 करोड़ कदम आगे चल जाएगा।